तो फ्रेंड आज हम चल रहे हैं ब्राउनी बनाना। ये हमारा बटर, चॉकलेट, ब्रेकफास्ट शुगर और ये हमारे पास एग, ये सिमोनेला एसेंस हमने डाल रखा है, और ये फ्लावर, बेकिंग पाउडर, चॉप ऑनलेट, और ये साइड में ऊपर डालने के लिए ऑनलेट, चोको चिप। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है, जैसे बॉल ले लिया मैंने, इसमें बटर डाल रखा मैंने और इसमें चॉकलेट डालना है। इंडक्शन ऑन किया मैंने फटाफट, तो चलिए रख दिया बॉल। अभी इसमें ब्रेकफास्ट शुगर डाल रहे हैं, अभी चॉकलेट डाल रहे हैं, डार्क चॉकलेट मोड़े है हमारे पास। तो ये देखिए हमारा पानी वार्म हो गया है, तो ये देखिए पानी गर्म हो गया और ये मेल्ट होना भी स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। तो चलिए इसको फटाफट मेल्ट करके, डबल बॉयलर मेल्ट हो रहा हमारा, तो चलिए इसको फटाफट मेल्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा 8 से 10 मिनट बाद मेल्ट होके बॉल में मेल्ट हो गया पूरा अच्छे से। अब इसको ठंडा करना है, ये देखिए इसका क्वेश्चन कैसे हो रखा है। तो चलिए इसको ठंडा कर, तो चलिए फ्रेंड एग बीट करते हैं फटाफट। ये मशीन रेडी हो गया, एग बीट कर लेना स्टार्ट कर दिया हमने। तो चलिए एग बीट करके दिखाते हैं फटाफट एग को फेंट के। तो ये देखिए हमारे अंडा फेंट लिया खूब अच्छे से और इसमें भी मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। और हाँ एक चीज़ और फ्रेंड, चॉकलेट गर्म नहीं होना चाहिए जो बॉल है, नहीं तो पूरा मिक्सचर फट जाएगा। तो ये देखिए अभी हमें कट एंड फोल्ड मारना है, ये देखिए ऐसे जैसे मैं कट एंड फोल्ड मार रहा हूँ, एकदम आराम से मारना ताकि ये बैठ ना जाए एग जो बीट किया हमने। तो अभी इसमें हम ड्राई आइटम मिला रहे हैं, चॉप ऑनलेट, बेकिंग पाउडर, फ्लावर। तो ये देखिए मिक्स करके अभी इसमें मिलाएंगे चोको चिप डार्क, ये देखिए चोको चिप भी मिला दिया। अभी इसको कट एंड फोल्ड मारना है इसे अच्छे से, एकदम स्मूथली मारा ताकि बैठ ना जाए। तो ये देखिए हमने मार दिया पूरा कट एंड फोल्ड। और ये हमारे पास 2 इंची का ट्रे है हाइट जिसकी, और इसमें भी हम डिमोल्ड करके पलट दिया सारा अच्छे से निकाल दिया। अभी इसको बेकिंग के लिए डाल के रेडी कर दिया। चलिए इसको बेकिंग करते हैं फटाफट। अभी ऑनलेट डालना है इस पर, तो ये देखिए हम चॉप ऑनलेट भी डाल रहे हैं ऊपर से गार्निश के लिए भी, और क्रंची भी लगेगा, सॉफ्ट भी रहेगा अच्छे से पूरा। तो ये देखिए हमारे पास एक मार्ट, आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, आप चाहो तो ऑरेंज ग्रेट करके ऑरेंज ब्राउनी के ऊपर डाल दोगे तो थोड़ा घोई रहेगा और क्रंची आएगा ऑरेंज खाने में। और ये हो रखा है देख लीजिए हमारा सारा ब्राउनी, अभी इसमें हम ऑरेंज ग्रेट कर रहे हैं ऑरेंज जेस्ट। तो चलिए फ्रेंड इसको बेक करते हैं, ये रहा हमारा कॉम्बी ओवन। तो चलिए इसको बेकिंग के लिए डालते हैं फटाफट, और इसका टेम्परेचर टाइमिंग हमने प्रीहीट कर रखा पहले से। तो ये देखिए टेम्परेचर टाइमिंग नोट कर लीजिए आप, 30% मॉइस्चर करना है और 75 टेम्परेचर, और 40 मिनट के लिए डाल के इसको बेकिंग करना है। तो चलिए इसको फटाफट बेक करके दिखाते हैं, आप नोट कर लीजिए चाहे तो। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ब्राउनी बेक हो गई है, ये ब्राउनी कूल हो गया हमारा। तो चलिए इसको कट करते हैं फटाफट। ये देखिए इसका बटर पेपर निकालते हैं फटाफट, पहले बटर पेपर निकाल के इसको कट करना है हमें। ये देखिए ब्राउनी हमारा एकदम अच्छे से बेक होके पक गया अच्छे से, तो बटर पेपर निकाल के इसको कट करते हैं फटाफट। तो ये देखिए 1/2 कट कर रहे हैं इसको, तो इसको अभी फिंगर स्लाइस कट करना है। ये देखिए स्लाइस करके इसको अच्छे से फिर पैक करना है हमें। तो ये देखिए हमारा ब्राउनी कट गया अच्छे से। तो ये देखिए सारी ब्राउनी हमने काट दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।